सभी देशवासियों को आदाब सलाम। मैं ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा मुस्तफाबाद से आपके बीच एक आम आदमी। साथियों, आज पूरे देश में अलग अलग जगहों से कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिनमें ये दिखाया जा रहा है कि लोग पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, लोग पुलिस चौकियों पे, थानों पे हमला कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये गलत है क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता और किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हिंसा का रास्ता कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर हमें इस आंदोलन को कामयाब करना है, इस लड़ाई को कामयाब करना है, तो इसमें हिंसा कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भाजपा सिर्फ यही चाहती है कि देश में लोग नफरत फैलाएं, दंगे करें और लोग यहां बेरोजगारी भूल जाएं, अर्थव्यवस्था खराब है वो भूल जाएं, देश के जो असल मुद्दे हैं वो भूल जाएं। क्योंकि आज NRC लागू करके पूरे देश में सिर्फ मुसलमान नहीं, इसमें देश में बहुत सारे तमाम वो लोग हैं जो इस देश में रहते हैं, जिनको ये साबित करना होगा कि आज आप भारतीय हैं तो अपने 70 साल पुराने डॉक्यूमेंट दिखाएं, जो डॉक्यूमेंट्स आज के डेट में 70% लोगों के पास नहीं है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि ये गांधी जी का देश है, गांधी जी ने इस देश को अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजाद कराया था और इस देश की कुर्बानी, इस देश को आजाद कराने में हमारे बुजुर्गों की भी बहुत कुर्बानियां रही हैं। ये हमारा बड़ा खूबसूरत देश है, इसका माहौल ना खराब होने दें। आप सब अगर आज हिंसा होती है कहीं भी, इस तरह की चीजें होती हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के मकसद को कामयाब करते हैं। भाजपा वही चाहती है जो इस देश के लिए खतरनाक है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क सबका मुल्क है। इस मुल्क में हमेशा से अमन शांति कायम रही है, सेकुलर मुल्क है और इस मुल्क के अंदर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, जो आगे भी रहते रहेंगे। मेरी आपसे अपील है कि कहीं भी आप जहां ऐसा माहौल देखें कि कहीं हिंसा हो रही है या कहीं इस तरह की कोई शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तुरंत रोकें और इस देश को बेहतर मुल्क बनाने में अपना योगदान दें।